खगड़िया बेलदौर से है, जहां सुमलेश कुमार यादव खगड़िया संवाददाता के अनुसार प्रखंड के किसान मकई उत्पादन करने में सबसे आगे हैं। बेलदौर को मकई उत्पादन के क्षेत्र में पीला सोना के रूप में पहचाना जाता है। बेलदौर प्रखंड में मकई का हब माना जाता है, लेकिन वर्तमान समय में अन्नदाता ही अन्न के लिए मोहताज होने लगे हैं। मैं बात करूं माली, पीरनगरा, बेलदौर, बोबिल आदि जगहों की, जहां पर लगे हुए मकई की फसल जमीन दो हो चुके हैं। मूंग, फल, साग सब्जी चक्रवाती तूफान आने से बर्बाद हो गई है। मकई की फसल खेत में अंकुरित होने लगे हैं। मूसलाधार बारिश ने किसानों के अरमानों पर पानी फेर दिया है। उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई चौपट हो गई है। सैकड़ों एकड़ में लगी मकई की फसल खेत में अंकुर हो गए हैं और अब किसान खून के आंसू रोने के लिए मजबूर हैं। वहीं मानसी के उप प्रमुख हीरालाल यादव, बोबिल पैक्स अध्यक्ष मोहन शाह, माली पैक्स अध्यक्ष भूपेंद्र पंजियार आदि सभी ने फसल का मुआवजा देने की मांग की है प्रशासन से। वहीं मानसी उप प्रमुख हीरालाल यादव ने बताया कि सरकार और प्रशासन को चाहिए कि किसानों का लोन माफ करे और उनकी उचित समय पर उचित मुआवजा दिया जाए। समय पर अगर किसान को फसल क्षति का मुआवजा नहीं दिया जाएगा तो वे सब किसान साथ मिलकर आंदोलन भी करने के लिए तैयार है। किसान का मैं सब खाता है, किसान का देखने वाला कोई नहीं है। देखिए हमारे खगड़िया जिला जो है, मक्का जो है, पूरे विश्व में पहला स्थान खड़ा जिला है। मरीज पर सरकार न तो बिहार सरकार न तो केंद्र सरकार कोई तरह का स्थिति दिया है। किसान पेटे पेट मर रहा है। मैं जिलाधिकारी महोदय हमारे कलयुग का भगवान है, उनसे हम आग्रह करते हैं कि बिहार सरकार के और केंद्र सरकार के किसान के हित में आवाज उठावे, फेस करे और किसान का ऋण का माफ किया जाए, बिजली बिल माफ किया जाए और किसान का क्षतिपूर्ति अवलंब किसान के दिया जाए। नहीं तो हम लोग किसान एकजुट होकर आंदोलन लॉकडाउन के बाद आंदोलन हम लोग किसान करेंगे। क्या नाम है आपका? हम मानसी प्रखंड उप प्रमुख हीरालाल यादव। R9 भारत के लिए सुमलेश कुमार की रिपोर्ट, खगड़िया।